जनपद संभल के चंदौसी में नगर पालिका की जमीन पर कब्जा कर रहे नगर पालिका के सेवानिर्मित कर्मचारी। आपको बताने के पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर नगर पालिका के सेवानिर्मित कर्मचारी नगर पालिका की जमीन पर निर्माण कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदुरानी को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवा दिया तथा जांच के बाद आगे की कार्यवाही को कहा है। जब इस विषय में नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा इंदुरानी से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें कार्यालय पहुंचकर इस बात की जानकारी हुई कि नगर पालिका के सेवानिर्मित कर्मचारी नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं, जिसे मैंने अभी रुकवा दिया है और आगे की कार्यवाही जांच के बाद की जाएगी। पूरे शहर में हंगामा उठ जा हुआ है, पूरे शहर से मेरे पास फोन आ रहे हैं आपको कि जमीन लौटा दी, जमीन हाँ ऐसा है। मेरे संज्ञान में आया कि सरकार वो नगर पालिका की संपत्ति है और सुनने में आया, बताया मुझे ऑफिस में कि ये पूर्व किसी चेयरमैन ने पहले टाइम में नगर पालिका की तरफ से अलाटमेंट हुआ है इनका या कुछ हुआ है ऐसा कि कर्मचारियों के लिए दिया गया है। तो मैंने कहा चलो दिया गया, जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के नियम अनुसार काम हो रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आज पता लगा कि जहाँ मर्जी जाकर के लोग कर लगे बहुत बुरी तरह से, जहाँ मर्जी नींव खोद दिए बनाने लगे, तो मुझे कुछ शक हुआ कि क्या है आखिर। तो मैंने उनको आदेश कर दिया कि नियमानुसार कार्रवाई होगी। पूर्व चेयरमैन ने क्या किया, पूर्व नगर पालिका ने क्या किया, मुझे बात से कोई मतलब नहीं। मैं पुराना रिकॉर्ड निकलवा के बाकायदा नियमानुसार किसका बेनामा अलाटमेंट है, किसके नाम कौन सी जगह है और नक्शा पास है कि नहीं है, सब सिस्टम के अनुसार लाना चाहती हूँ। सिस्टम के अगर है, हकदार हैं वो, तो होगा, अगर नहीं है तो सरकारी संपत्ति में से एक इंच भी जगह किसी को नहीं दी जाएगी। हाँ आज पूरा निर्माण कार्य जाकर रुकवाया, हालांकि फोर्स मांगी, फोर्स मुझे नहीं मिली, लेकिन स्वयं जाना पड़ा मुझे दो बार जाके, एक बार कह के रुकवा के आ गई थी, पता लगा आधे घंटे बाद फिर काम शुरू हो गया, मुझे दोबारा जाना पड़ा। मैंने ऑफिस भी जाके चेक किया क्योंकि सारे बाबू वहाँ थे, तो मैंने रजिस्टर चेक करे, बाबू सारे एबसेंट थे, सबकी एबसेंट लगाई, एक दिन का वेतन काटने का आदेश किया है युगो, और वहाँ जा करके मैंने पुनः सबका काम रुकवाया, बिल्कुल अब काम नहीं कर रहा। जगह ये घटिया गेट की तरफ है, उधर वैष्णो विहार के पीछे है, और मुझे आईडी ने मैंने रिकॉर्ड निकलवाया है कि रिकॉर्ड में कितनी संपत्ति है, क्या है, कितनी हमारी जगह है। नहीं तो पालिका के हित में अगर है वो किसी को अलाटमेंट हुआ तो ठीक है, लेकिन पालिका के हित में काम होना चाहिए, पालिका का लीगल वे में काम होगा, इनलीगल तरीके से कोई काम नहीं होगा।